तो आज भिडियो आम आलोचना करवा सेकेंड सेमिस्टर जोड़ी कि तुमको कंपलसरी सब्जेक्ट एथिक्स एंड वैल्यू प्रथम चैप्टर ते गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइव मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन एवं तार एनसरटा आज ये आम आलोचना करवा। तो आज जो लम क्वेश्चन आलोचना करवा तो से लम क्वेश्चन देखिपार डिस्कस द साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ओडिया रे जदि देखिबा भारतीय संविधान रो मौलिक वैशिष्ट्य आलोचना करो तो यार एनसरटा तुम्हें लिखिबो भारतीय संविधान भारत जनसाधारण इच्छा आदर्श आभिमुख्य परंपरा और विश्वास को आधार कर प्रस्तुत ना कौन आमर भारतीय संविधान जनसाधारण इच्छा अर्थात लोक मान इच्छा आदर्श आभिमुख्य परंपरा और विश्वास को लेकिन प्रस्तुत हो शासन विधायक सभार समस्त नागरिकों प्रतिनिधि मान जरिया गठित होता तो यधान संविधान शासन व्यवस्था विधायक सभार समस्त लोक मान प्रतिनिधि द्वारा यहाँ गठित होता भारतीय संविधान निर्माता माने अन्य देशर संविधान गठन करी सेगुड़िकर मूल्यवान अंश गुड़िक संग्रह करी भारतीय संविधान स्थान देले ना कौन जो भारतीय संविधान निर्माता माने जो माने जो माने भारतीय संविधान को निर्माण करी तो से माने विभिन्न देशर सब इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण तथ्य गुड़िक संग्रह करी आम भारतीय संविधान को गठन करी किंतु आम देशर संविधान एक उदार संविधान नुहे सबुबले गोटे जिनस जानी कि आम देशर संविधान आम भारत देशर संविधान यहाँ उदार संविधान नुहे यहाँ तुमको सर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपे विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करवा आम संविधान मुख्य उद्देश्य अटे ना कौन केमी समस्ते मिलमिशिकी चली पारे समस्त को गोटे हिसाब से देखा जाए आम संविधान तो एटा कहगला विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करवा आम देशर आम संविधान तथा आम भारत देश संविधान उद्देश्य लक्ष्य अटे भारतीय संविधान निर्माता माने संविधान प्रणयन होगा समय भारत परिस्थिति को आखि आगे रखी संविधान प्रणयन करते ना कौन ये संविधान निर्माता माने जो माने कि संविधान को निर्माण करते तो से माने संविधान प्रणयन होगा समय तो भारत समस्त परिस्थिति को देखिकी लक्ष्य करी से माने आम ये संविधान को प्रणयन करते तो यहाँ ठीक से बुझीगल जदि बुझी पारल ना तो कमेंट कर मु तुमको रिप्लाई मध्यम बुझाइबे तापर आम नेक्स्ट देखा भारतीय संविधान मौलिक वैशिष्ट्य तो कौन कौन सब भारतीय संविधान मौलिक वैशिष्ट्य रही अच्छे ताकि आलोचना करवा तो फास्ट मेन इम्पोर्टेन्टा हूँ देख प्रस्तावना ना यहाँ कौन संविधान प्रवेश द्वार दर्पण हूँ प्रस्तावना ना संविधान प्रवेश द्वार गोटे इम्पोर्टेन्ट पार्ट हूँ ये प्रस्तावना प्रस्तावना जदि ना तो किसी ना संविधान बुझीपना तो ये कहगला संविधान प्रवेश द्वार दर्पण हूँ गोटे ये हूँ प्रस्तावना यह मध्यम संविधान प्रकृति आदर्श लक्ष्य उद्देश्य आलोचित होता है ये प्रस्तावना मध्यम संविधान प्रकृति होगला आदर्श होगला लक्ष्य उद्देश्य होगला तो सब ए आलोचित होते भारत को एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र बोली वर्णना कर सामाजिक राजनीतिक आर्थनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान पर जुक्ति उपस्थापित कर कौन यही प्रस्तावनाटा सार्वभौम भारत सार्वभौमत्व तो होगला समाजवाद किंबा धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक एवं साधारणतंत्र राष्ट्र बोली य प्रस्तावन वर्णना कराइए एतद व्यतीत यहाँ वर्णना करी सामाजिक क्षेत्र में हो कि राजनीतिक क्षेत्र में हो कि आर्थनीतिक क्षेत्र में हो कि न्याय प्रदान क्षेत्र में हो तो समस्त क्षेत्र में यह प्रस्तावना गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर बुझी हो ना तो यही प्रस्तावना कौन तुम ठीक से बुझीगल तापर आम नेक्स्ट देखा लिखित और दीर्घतम संविधान ना लिखित और दीर्घतम संविधान कौन ता आम देखा भारतीय संविधान रे समस्त नीति नियम लिपिबद्ध पे प्रयास करा जाइछे ना कौन आम भारतीय संविधान रे
जिते भी सब नियम कानून रही अच्छे समस्त नीति नियम गुड़िक भल भाव लिपिबद्ध कर वर्णना कर रखा जाए। एथिमध्ये राष्ट्र गठन शासन परिचालना सरकार विभिन्न विभाग कार्य एवं नागरिक मौलिक अधिकार स्थान पाई ना कौन ये आम संविधान रे जो सब नीति नियम गुड़िक रही तो से मध्य राष्ट्र गठन ही गला कि शासन परिचालना व्यवस्था ही गला कि सरकार विभिन्न विभाग कार्य ही गला एवं नागरिक मान मौलिक अधिकार जो दिजे तो समस्त आदि आम संविधान रे विस्तृत भाव वर्णना कर देखिपुच भारतीय संविधान रो 395 धारा और 12 अनुसूची रही जो यह पृथ्वीर दीर्घतम संविधान अटे ना कौन यहाँ तुम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपा है देख ना भारतीय संविधान रो 395 धारा और कते 12 अनुसूची रही जो यह पृथ्वीर दीर्घतम संविधान अटे तो यठार तुमको शॉर्ट क्वेश्चन एमती आसब ना भारतीय संविधान डैश धारा एवं डैश टी अनुसूची रही जो यह पृथ्वीर दीर्घतम संविधान अटे तो यार आंसर तुमने लिख 395 धारा और 12 अनुसूची रही पृथ्वीर यह एक दीर्घतम संविधान अटे तो ये लिखित और दीर्घतम संविधान कौन तुमने ठीक से बुझी जाइए आम नेक्स्ट देखा आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय यहाँ कौन भारतीय संविधान रो 368 धारा रे तीन प्रकार संविधान संशोधन प्रणाली वर्णना कर कौन आम जदि देखा आम भारत जो संविधान रही तो ये भारतीय संविधान रो 368 धारा रे तीन प्रकार संविधान संशोधन प्रणाली वर्णना कर तो से तीन प्रकार संशोधन प्रणाली कण कण वर्तमान कण कण सब कौन कौन सब रही अच्छे वर्तमान ता देखा संविधान रो प्रथम प्रणाली फर्स्ट प्रणाली अनुसार कहा जाए कि संसदर सरल संख्या गरिष्ठता भित्तिर संशोधित हो पार्थ्वा जो यह एक नमनीय व्यवस्था अटे ना कौन संविधान प्रथम प्रणाली कहा जाए कि भारतीय संविधान हूँ एक एक नमनीय व्यवस्था बोले तापर देखा संविधान द्वितीय प्रणाली तो यार देखिपुच द्वितीय प्रणाली अनुसार संसदर उभय संसदर मोट सदस्य संख्यार अर्धाधिक और उपस्थित थिबा सदस्य संख्यार दुई तृतीयांश सदस्य समर्थन में संविधान संशोधित हो पार तेणु मध्य एक नमनीय व्यवस्था ना कौन संविधान रो धारा 368 द्वितीय प्रणाली रे कहा जाए कि ना संख्यार जदि अर्धेक लोक उपस्थित रे बा दुई तृतीयांश सदस्य जदि समर्थन करेंगे संविधान संशोधित होगापी बा सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करती तो एथिपाई तो यह एक नमनीय व्यवस्था बोली कह जाए देखिपार संविधान संशोधन तृतीय प्रणाली वर्तमान आम देखा तृतीय प्रणाली अनुसार संसदर प्रत्येक संसदर मोट सदस्य संख्यार अर्धाधिक और उपस्थित संख्यार दुई तृतीयांश सदस्य समर्थन पर अर्धाधिक राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित हो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हेले उक्त विषय उपर संविधान संशोधित हो पार ना कौन गोटे भागर प्राय अर्धेक भाग जदि संविधान निर्वाचन जदि सपोर्ट करते हैं राज्यर विधानसभा द्वारा जो जहाँ भी सब अनुमोदित हो राष्ट्रपति जो सब जिन अनुमोदित करे तो से विषय वस्तुटी बहुत कठिन साध्य बहुत कष्टकर होता है तो एथिपाई जदि एथिपाई आम जो देखा तमें यह एक अनमनीय व्यवस्था अटे तो तेणुक जदि आम विचार करवा दुहि दिगर जदि आम विचार करवा जो देखा तेल भारतीय संविधान आंशिक नमनीय और अनमनीय मिश्रण अटे तो ये तुमको जो क्वेश्चनटा आसब तो भारत को भारतीय संविधान को कहीं आंशिक नमनीय और अनमनीय मिश्रण संविधान बोली कहा जाए तो आंसर तुमने लिखीज बुझीगल ठीक से तापर आम नेक्स्ट देखा संसदीय शासन व्यवस्था ये संसदीय शासन व्यवस्था कौन भारत में जो शासन व्यवस्था प्रचलित कराई जो शासन व्यवस्था राष्ट्रपति केवल राष्ट्र मुख्य और नाममात्र कार्यपालिका प्रधानमंत्री और तांकर मंत्रिमंडल सरकार मुख्य और वास्तव क्षमतार अधिकारी होता संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाए ठीक से बुझ है संसदीय शासन व्यवस्था कौन ना कण ना कौन आम भारत जो शासन व्यवस्था जो प्रचलित जो प्रचलन कर प्रचलित हो तो ये शासन व्यवस्था राष्ट्रपति
राष्ट्रर मुख्य होइथांतु किंबा नामकु मात्र कार्यपालिका किंबा प्रधानमंत्री एवं तांकर मंत्री मंडल सरकार मुख्य ओ वास्तव क्षमतार जदि अधिकारी होइथांति तेबे ताहाकु संसदीय शासन व्यवस्था बोली कुहाजाए। तो संसदीय शासन व्यवस्था काकु कुहाजाए तुमने ठीक से बुझिगल। तो ई संसदीय कौनसी समय रे कार्यपालिका पदच्युत करिया व्यवस्था रहिछि ना कोनो ए जो संसदटा रहिबोछि। तो ई संसदटा जदि जदि चाहिबे राष्ट्रपति ई कार्यपालिका को कौनसी मुहूर्त रे से पदच्युत करि पारिबे। तापर आमे नेक्स्ट देखिबा एकक नागरिकता। ई एकक नागरिकता कोनो तो एठारे देखो जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग निर्विशेष भारत में बसवास करुवा समस्त जनसाधारण केवल एकक नागरिकता अधिकार प्राप्त करते। भारतीय संविधान व्यवस्था अनुसार राष्ट्र एकता अखंडता और संहति को दृढ़ करने एपरी नागरिकता कार्यकारी हो आसुचे। भलसे बुझ एकक नागरिकता कौन जाति हीगला धर्म हीगला वर्ण हीगला कि भाषा हीगला एवं लिंग निर्विशेष आम भारत में जिते भी सब लोक बसवास करते भी सब लोक रोचे तो सामान को राष्ट्रपति अर्थात सरकार समस्त को एकक नागरिकता अधिकार से प्रदान करमर जी भारतीय संविधान व्यवस्था अनुसार जी देखमा राष्ट्र एकता अखंडता किंवा संहति को दृढ़ करने शक्तिशाली करने मजबूत करने एपरी एकक नागरिकता गठन करिछन्ते। तो एकक नागरिकता कौन एवं कौन पे से गठन करिछन्ते एटा ठीक से बुझीगल। तापर आम नेक्स्ट देखा मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कौन ता आम देखा मौलिक अधिकार कौन भारतीय संविधान तृतीय भाग में धारा 14 रु 32 पर्यंत नागरिक मान अधिकार सुरक्षापी केतक मौलिक अधिकार सूचित होइछे ना कौन आम भारतीय संविधान तीन नंबर भाग में जदि आम देखमा तो धारा जो 14 रु 32 रहीजे तो ये 14 रु 32 धारा रे आम नागरिक मानू अर्थात लोक मानू मौलिक अधिकार दि जाइए। व्यक्तिर नैतिक और आध्यात्मिक विकास निहाती आवश्यक होता जो यही अधिकार गुड़ी को मौलिक अधिकार बोली कहुए। तापर देख तो ये मौलिक अधिकार को कहीं मौलिक अधिकार कहीं कहुए कहीं व्यक्तिर नैतिक क्षेत्र में हो कि आध्यात्मिक विकास तो निहाती आवश्यक होता है निहाती किछ ना किछ आवश्यक होता है साहाज्य होता है। तो यही अधिकार को एथिपे मौलिक अधिकार बोली कहा जाए ना व्यक्तिर नैतिक और आध्यात्मिक विकास निहाती आवश्यक होता। तो यही अधिकार को मौलिक अधिकार बोली कहा जाए। भारतीय नागरिक मानू प्रयत्त 6 मौलिक अधिकार दि जाइए। तो प्रथम कण प्रथम हूँ समानता अधिकार तापर हूँ स्वाधीनता अधिकार तापर हूँ शोषण विरोधी अधिकार तापर हूँ धर्मगत अधिकार तापर हूँ सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार और तापर लास्ट रही हूँ सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। तो यही तुमको दुई मार्किया क्वेश्चन आसपे है ना यठार क्वेश्चन आसब ना भारतीय नागरिक मानू प्राय केते गोटी मौलिक अधिकार प्रदान कर। तो यार आंसर तुम कौन लिख 6 मौलिक अधिकार प्रदान कर भारतीय नागरिक मानक जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान कर। तो से 6 मौलिक अधिकार कौन कौन यहाँ तुमको दुई मार्क क्वेश्चन आसपे। तो से 6 मौलिक अधिकार तुमने लिख फास्ट हैगला समानता अधिकार सेकेंड हैगला स्वाधीनता अधिकार थर्ड हैगला शोषण विरोधी अधिकार तापर हैगला धर्मगत अधिकार तापर हैगला सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार एवं तापर हैगला सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ को कहा जाए तापर मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक मानक कतोटी दिखाई और कौन कौन यहाँ ठीक भाव में बुझीगल। तापर आम नेक्स्ट देखा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति नहीं राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीतिटा कौन ता बर्तमान आम देखा भारतीय संविधान चतुर्थ अध्याय राष्ट्र और सरकार पर निर्देशनामा स्वरूप निर्देशमूलक नीति वर्णना कर ठीक से बुझ है ना राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कौन भारतीय संविधान आमर संविधान चतुर्थ अध्याय जी आम देखमा तो ये राष्ट्र और सरकार पर राष्ट्र और सरकार पर गोटे निर्देशनामा बा नीति नियम नीति नियम नीति नियम निर्देशमूलक नीति बा केते गुड़े नीति गुड़िक वर्णना करगुड़िक कार्यकारी करवा हूँ सरकार कर्तव्य। ये जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़ाक रही निर्देशनामा गुड़ी के जो जारी कर तो यटा ये नीति गुड़ाक सब कार्यकारी करवा राष्ट्रपति ता सरकार को उपरे डिपेंड करे बुझिपारुछ ना ना यही नीति गुड़िक जनमंगल राष्ट्र गठन करने सहायक हुए। ये जो नीति गुड़िक जारी कर चतुर्थ अध्याय तो
ये राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़िक यहाँ जनमंगल राष्ट्र गठन करने बहुत साहय कर भारतीय संविधान धारा 36 ठार धारा 51 पर्यंत यही नीति वर्णित हो देख यहाँ भी तुमको सर्ट टाइप क्वेश्चन आसपे ना भारतीय संविधान धारा केते ठारु केते पर्यंत ए राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक वर्णना कर तो यार एनसरटा कौन लिखे ना ये भारतीय संविधान धारा 36 रु धारा 51 पर्यंत ए राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति बा निर्देशनामा गुड़िक जारी कर देखा किंतु वर्तमान 23 निर्देशात्मक नीति रही है जदि आम वर्तमान देखा तो 23 निर्देशमूलक नीति बा निर्देशमूलक हाँ ये निर्देशमूलक नीति गुड़िक रही होती 23 वर्तमान जदि आम देखा है स्त्री और पुरुष को समान काम समान मंजूरी दुर्बल श्रेणीर एवं अनुसूची जाति और उपजाति लोक मान उन्नति विशेष जत्न नेवा उचित यही नीति गुड़िक राष्ट्र कार्यकारी नक राष्ट्र विरोध में कौन न्यायालय आश्रय नहीं हेबना ना कौन यो 23 निर्देशात्मक नीति जो दि जाइए तो ये 23 गोटी निर्देशात्मक नीति से गोटी है कि स्त्री एवं पुरुष को समान काम समान मंजूरी पुरुष जिते दरमा जिते मंजूरी पाइब स्त्री से मंजूरी पाइपर ठीक से दुर्बल श्रेणी एवं अनुसूचित जाति मानक समान सुविधा सुजोग दिजाटा उपजाति लोक मान उन्नति केमी सब उन्नति हे ता सब ध्यान दि जाए तो यहाँ यहीटा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति रे विस्तृत भाव में वर्णना कराई तो एठार मुझको आउ थे जन राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति एथिरे तुमको सर्ट टाइप क्वेश्चन आसपे ना भारतीय संविधान केते अध्याय राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक वर्णना कराई बोले तार एनसर तुम लिख चतुर्थ अध्याय आदि आम देखा य भारतीय संविधान केते धारा रु केते धारा पर्यंत ये राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक वर्णना कर बेले तार एनसर तुमने लिखे 36 धारा 51 धारा पर्यंत एवं जदि आम वर्तमान देखा वर्तमान जदि राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति केतोटी रही होती बेले तुम्हें तार एनसरटा लिख 23 से गोटे जो उदाहरण देखा तो ये स्त्री और पुरुष केमी समान काम समान मंजूरी पाइपारे गुरुत्व दिजाई वर्णना कर तो ये राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कौन ठीक से बुझीगल तापरे आम नेक्स्ट देखा मौलिक कर्तव्य कौन कौन सब मौलिक कर्तव्य रही होती बर्तमान ताकि देखा 1976 मसीहा 42वां संविधान संशोधन आईन द्वारा ये मौलिक कर्तव्य गुड़िक वर्णना करना ना कौन यहाँ भी तुमको सर्ट टाइप क्वेश्चन आसपे कि केते मसीह 42वां संविधान संशोधन आईन द्वारा मौलिक कर्तव्य गुड़िक वर्णना कर तो यार आंसर तुम लिख 1976 मसीह नतवा 1976 मसीह केते नंबर संविधान संशोधन आईन द्वारा ये वर्णना कर मौलिक कर्तव्य गुड़िक बेले तार आंसर तुमने लिख 42वां तो सबू लम्ब क्वेश्चन रे सब दुई मार्किया टाइप दुई मार्किया सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक रही होती है जब ठीक से बुझे तेल जदि लम्ब क्वेश्चन प्राक्ट करब दुई मार्किया सब क्वेश्चन होगा ठीक से बुझ मुझ जहाँ भी तो यार देख जो 1976 मसीह जो 42वां संविधान संशोधन रन धारा कोरे युड़ वर्णना करमको कहली तो यहाँ जान ला जाणीगल ना उपधारा को जोग कर भारतीय नागरिक मान 10 गोटी मौलिक कर्तव्य सूचित हो बुझिपार ना 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 कौन 1976 मसीह जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यन क धारा नागरिक मान प्राय 10 गोटी मौलिक कर्तव्य दि जाइए तो यहाँ भी तुमको सर्ट क्वेश्चन आसपे कि ना भारतीय नागरिक मान प्राय कतेगोटी मौलिक कर्तव्य दि जाइए तो यार आंसर तुमने के लिख ना 10 गोटी मौलिक कर्तव्य दि जाइए सर्ट टाइप क्वेश्चन रही होती देख है कि वर्तमान 2002 मसीह 86वां संविधान संशोधन कर नागरिक माना 11 गोटी मौलिक कर्तव्य स्थान पाई देख देख 1976 मसीह ठीक से बुझ है 1976 मसीह जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 51 धारा कोरे आम भारतीय नागरिक मान लोक मानू प्राय 10 कोटी मौलिक कर्तव्य दि जाऊला किंतु जदि आम देखमा 2002 मसीह 86वां संविधान संशोधन जो करागला तो ये नागरिक मानू से आउ गोटे मौलिक कर्तव्य एड कर जोग कर तो
दस रु गोटे जोग करागला केते हैला मोट मिसी गते 11 तो वर्तमान जदि आमे देखिबा तो नागरिक मानकु 11 गोटी मौलिक कर्तव्य दिया जाय छि। जदि क्वेश्चन रे तुमनकर आसे कि 2002 मसिया केते तुम संविधान संशोधन द्वारा गोटे मौलिक कर्तव्य जोग हो कि 11 गोटी मौलिक कर्तव्य नागरिक मानकु दिया जाय छि तो तार आंसर तुमने लिखिबो 86 तम संविधान संशोधन द्वारा। नतवा तुम एमती भी क्वेश्चन आसीपे 2002 मसीहा 86 तम संविधान संशोधन करा जाए नागरिक मानू प्राय 150 गोटी मौलिक कर्तव्य दि जाए तो यार आंसर तुम लिख 11 गोटी है यहाँ बुझीगल। तापर देखा जातीय पताका और जातीय संगीत प्रति सामान प्रदर्शन ना कौन आम जो जातीय पताका रही अच्छी और जातीय संगीत जो रही अच्छी तो ये जातीय पताका और जातीय संगीत को केमी सामान सम्मान देवा सम्मान करिबा एवं भारतीय सार्वभौमत्व संरक्षण केमी भारतीय सार्वभौमत्व संरक्षण हे केमी सुरक्षा हेब ता ध्यान देवा एत व्यतीत एकत्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठा तापर हिंसा परिहास इत्यादि मौलिक कर्तव्य स्थानित कर नागरिक मानक कर्तव्यनिष्ठ कर चेष्टा कर ना कौन यारे ये मुझे ये जो कर्तव्य जो मुझे तुमको कहली तो यठार जो नुआ जो मौलिक कर्तव्य गुड़िक एड है तो यौलिक कर्तव्य जातीय पताका और जातीय संगीत प्रति सम्मान केमी दिहब तापर भारतीय सार्वभौमत संरक्षण व सुरक्षा केमी हेबर एकत्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठा केमी हेबर हिंसा परिहास इत्यादि सब मौलिक कर्तव्य गुड़िक यठार वर्णना कर तो यहाँ बुझीगल। तापर आम लास्टा देखा लास्ट तुम्हारे कौन रही अच्छे लास्ट देखी पार सुसहत निरपेक्ष विचार व्यवस्था ना यहाँ कौन भारत जिला स्तर आरंभ कर केन्द्र स्तर उच्चतम न्यायालय पर्यंत समय विचार विभाग सुसहत और निरपेक्ष भाव गठित हो कौन भारत जो जिला स्तर आरंभ करके आम जब देखा केन्द्र स्तर पर्यंत जो उच्च न्यायालय रही अच्छे तो यठार जो विचार विभाग रही अच्छे तापर निरपेक्ष भाव यहाँ ये संविधान गठित हो विचारपति मानकर कार्यकाल सुरक्षित एवं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन सी विचारपति को बहिष्कार प्रणाली अत्यंत जटिल ना कौन एठार ठीक से बुझ है विचार मानकर कार्यकाल के विचारपति मानकर कार्यकाल के वर्ष तुम्हें निहाती जे जाच कमेंट करके जन है तो ये विचार मान विचारपति मान कार्यकाल सुरक्षित एवं जदि आम देखा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन सी विचारपति को बहिष्कार करने तोड़ीदेपी तो ये प्रणाली अत्यंत जटिल यणालीटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे तापर व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत कौन सी आईन किंबा कार्यपालिकार कौन सी कार्य जदि संविधान नियमान नियमावली विरुद्धाकरण विरुद्धीकरण करू थाए ताहेले न्यायपालिका ताकु अवैध बोली घोषणा करिब ना कौन ठीक से बुझ व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत कौन सी आईन व्यवस्थापिका द्वारा जो सब आईन गुड़ाक प्रणयन कर तो से आईन रु जदि कार्यपालिका कौन सी कार्य जदि तार विरुद्ध जदि जाऊँचे तो से आईन विरुद्ध जाऊँचे तो ताहेले न्यायपालिका ताकु अवैध बोली घोषणा करिब एवं ताकु बहिष्कार कोरी कोरी दिया जीवो।